पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वर्षा रहा, अनेक स्थान पर हल्की और मध्यम वर्षा हुई है। उसके अलावा एक जगह पर हैवी रेनफॉल भी ऑब्जर्व की गई, जिसमें मलकानगिरी के पहाड़िया में 87.3 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो नुआपाड़ा में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर में 33.8 डिग्री सेल्सियस और कटक में 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर डे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। हम बात करते हैं सीजनल मानसून की रेनफॉल की, तो 1 जून से लेकर अभी तक आज तक जो है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो बारिश हुई है 280.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से अभी भी जो है -27% नीचे चल रहा है। इसके साथ ही 11 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी नॉर्मल कैटेगरी में आ गए हैं, अभी भी 19 डिस्ट्रिक्ट जो है डेफिशिएंट कैटेगरी में बने हुए हैं। और सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ जो कि मीन सी लेवल पास कर रही है, अभी जैसलमेर, कोटा, गुना, नरसिंहपुर, राजनंदगांव, कलिंगापट्टनम से होती हुई ईस्टवर्ड सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जा रही है और समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर सतह पर बनी हुई है। इसके अलावा एक शियर जोन है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो कि बिटवीन 5.8 किलोमीटर हाइट पे समुद्र तल से बना हुआ है, है साउथ अर्थ की तरफ। और एक फ्रेश लो बनने की संभावना है जो कि वेस्ट सेंट्रल बे और अर्जानी नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल पर बनेगी अराउंड 19 जुलाई के आसपास में। तो इस सिस्टम की वजह से जो आज डे वन में तो हमारा साउथ उड़ीसा है वहाँ पर फेयरली वेटर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है और नॉर्थ उड़ीसा में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे वन में जो कोरापुट, रायगढ़ और गजपति डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 18 तारीख को भी कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। और 19 तारीख को जो कोरापुट, कालाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, गंजम, गजपति इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पर हैवी टू वेरी हैवी मीन आपका 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा मलकानगिरी, नवरंगपुर, पुरी, खुर्दा, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, जाजपुर, केवंझर, मयूरभंज इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी का 20 तारीख को भी मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा कालाहांडी, कंधमाल, कोलंगी, नुआपाड़ा, रायगढ़, गजपति, गंजम, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, कटक, ढेंकनाल, अनुगुल, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक इन सब जगह पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 21 तारीख को जो हमारा जो वेस्टर्न उड़ीसा में जैसे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, सोनपुर, बोध, ढेंकनाल, केवंझर इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है।